हेलो बच्चा लोग, क्या आपको मैं दिखाई दे रही हूँ? नहीं क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज वायरसेस। चलो मैं आ जाती हूँ आपके सामने बच्चा लोग। लेट अस स्टार्ट टुडे विथ अ टॉपिक नोन एज वायरसेस। बच्चा लोग, वायरस क्या है? ये शायद ना साइंस स्टूडेंट्स और नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले लोग भी अब तो जान ही चुके हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। बट फिर भी बच्चा लोग, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू कि हमको क्या क्या याद रखना है। ओके, कौन से बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होने चाहिए? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चा लोग। मैं आपकी मास्टर टीचर भूमिका मेहता, एंड वी आर ऑन वेदांत नीट मेड इजी। तो बच्चा लोग, लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर दैट बच्चा लोग, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, ठीक है, जैसे हम यूट्यूब पे आपको यहाँ पढ़ा रहे, बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे और आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, यही मेहनत अगर आपको वेव के प्लेटफॉर्म पे चाहिए, जहां टीचर आपको अनकैम अनम्यूट कर सकता है, जहां टीचर से वन टू वन बात कर सकते हो, जहां क्लास टीचर्स, मास्टर टीचर्स और डाउट एक्सपर्ट्स आपके डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है, जहां पर आप एवरी संडे रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस रिपोर्ट भी आता है कि कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है, कितना एक्यूरेसी है, हर लेक्चर के बाद आपके असाइनमेंट्स होते हैं, हश, इतना सब कुछ मिल रहा है, प्लस आपको हर एक चैप्टर का मास्टर कोर्स फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको रेगुलर बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बच्चा, वेदांत प्रो के ना तीन अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो रेगुलर बैच होता है वो होता है हमारा प्रो लाइट। प्रो लाइट के अलावा हमारे पास प्रो क्लासिक एंड प्रो प्लस वाले भी बैचेस होते हैं। ठीक है, अगर बच्चा लोग, अगर आप प्रो लाइट की फीस देखते हो फॉर नीट 2022 रेगुलर बैच, ठीक है, तो फीस जो होती है वो वन पूरे ईयर की तो ज्यादा जाएगी। मैं आपको 1 मंथ ट्रायल पैक लेने बोल रही हूँ। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप एटलीस्ट 1 मंथ का ट्रायल पैक लोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा कि वेदांत जो बोलता है ना, समझ आएगा तो मजा आएगा, वो क्या होता है। ठीक है बच्चा लोग, इसकी फीस होती है 2900। लेकिन अगर आप BMN Pro, ठीक है, ये आपका कूपन कोड है BMN Pro, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो, ठीक है, तो आपकी फीस हो जाएगी 2340। कितनी हो जाएगी आपकी फीस? आपकी फीस हो जाएगी 2340, जो आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, तो कूपन कोड क्या रहेगा? BMN Pro। आई रिपीट बच्चा लोग, हमारा कूपन कोड जाएगा BMN Pro और आपकी फीस कितनी हो जाएगी? 2340। इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, और अगर आप ड्रॉपर हो और ड्रॉपर होने के बाद आप नीट 2022 देने की कोशिश कर रहे हो, तो ड्रॉपर्स के लिए भी हमारा स्पेशल बैच शुरू हो चुका है बच्चा लोग, और उसमें पार्टिसिपेट या उसमें आपने एनरोल करने के लिए 1 मंथ की फीस जाती है 4200, विच इज अ ट्रायल मंथ। ठीक है, ये ट्रायल मंथ के लिए आपका BMN Pro, अगर आपने कूपन कोड यूज कर लिया तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी? 3600, मतलब 600 रुपए का डिस्काउंट। सिंपल, चलो आ जाते बच्चे लोग इसी के साथ वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जो सिर्फ लॉन्ग टर्म बैचेस के लिए अवेलेबल है। ट्रायल बैचेस के लिए या फिर फॉर शॉर्ट टर्म बैचेस अवेलेबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस बच्चे लोग, अगर आप 75% अटेंडेंस देते हो इन लॉन्ग टर्म सेशन, और अगर आप 75% टेस्ट भी देते हो, तो जाके आपको ये एलिजिबल रहेगा। मतलब अगर इतना होने के बाद भी अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आती है, तो डेफिनेटली बच्चे लोग आपकी कोर्स फी आपको वापस मिल जाएगी। तो चलो बच्चा लोग, लेट स्टार्ट विथ वायरसेस। सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई? तो हमने बोला हम शुरू करेंगे डीजे आइवेनॉस्की से, दैट इज दिमित्री आइवेनॉस्की की मदद से। दिमित्री आइवेनॉस्की बच्चा वो इंसान थे जिन्होंने 1892 में पहली बार ये देखा कि एक टोबैको प्लांट को कोई तो डिजीज हो रही है। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी देखा कि ये जो डिजीज है वो किसी ऐसे चीज की वजह से हो रही है जो शायद बैक्टीरिया से भी काफी छोटा था, और उन्होंने तब जाके हमको एक टर्म दे दिया, दैट इज पॉइजनस फ्लूइड, मतलब वायरस। तो कॉजेटिव एजेंट कि टोबैको में जो मोजैक डिजीज हो रही है, जहां मोजैक का मतलब होता है इरेग्युलर, तो कहीं पे भी पीले पीले धब्बे पड़ जाते पूरे पत्तों पे, ये पीले पीले धब्बों के पीछे कौन था? तो कॉजेटिव एजेंट जो था, जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म था, वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, इतना पता चला था सिर्फ आइवेनॉस्की को, और उन्होंने उसको बोल दिया भाई ये तो बहुत जहरीला है, पॉइजनस है, और पॉइजन या वेनम से वर्ड आता है वायरस। फिर बच्चा 1892 से हम थोड़ा और आगे बढ़ते, और आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास कौन आ गए? MW बेजरिंग। MW बेजरिंग 1898 में आते, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट लिया, मतलब ऐसा प्लांट जिसको पूरा वायरस ने जकेड़ रखा है, पूरा बीमारी दे रखी है, और उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, मतलब पेस्ट वेस्ट बना के जो एक्सट्रैक्ट होता है वो निकाला, फिर उसको फिल्टर किया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया? इसको हमने फिल्टर कर लिया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। जब इसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से हमने फिल्टर कर लिया, तो हमको लगा अच्छा अगर बैक्टीरिया वगैरह कुछ होगा तो वो तो रह जाएगा।
ठीक है, वो निकल गया होगा, अब तो सोल्यूशन में वो बचेगा नहीं। फिर वो जो सोल्यूशन था जिसको हमने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर करने के बाद जो आपको फिल्ट्रेट मिला था, वो हेल्दी प्लांट पे जाके फिसुक 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 करके स्प्रे कर दिया। अब क्या देखा हमने, जब आपने उसको हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया, डिजीज देता ये तो, अरे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर करने के बाद भी जब हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया तो डिजीज देता है। इसका मतलब कॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया से छोटा है ये तो पता चल गया, लेकिन कॉजिटिव एजेंट जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड भी हो सकता है। तो उस फ्लूइड को उन्होंने क्या बोला, भैया ये फ्लूइड जिंदा है क्योंकि इसमें वो और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शन पास कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोला, कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, मतलब कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। तो M.W. बेजरिंग इज फेमस फॉर कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। कंटेजियम विवियम फ्लूइडम मतलब कंटेजियस मतलब इंफेक्शियस, विवियम मतलब लिविंग, फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये एक्सट्रैक्ट, और ये ऑर्गेनिज्म इंफेक्शियस है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड हो सकता है। कहानी खत्म हो गई क्या हिस्ट्री की? जी नहीं, अब आएंगे हम 1935 पे। देखो बच्चा लोग, 1898 से 1935 पे आ चुके हैं, और तब हमारे पास कौन आते हैं, स्टैनली। अब ये स्टैनली का डब्बा लेके जो W.H. स्टैनली आए हैं, इन्होंने क्या किया, W.H. स्टैनली ने वायरस, तब तक ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे, सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर हुआ वो था टोबैको मोजैक वायरस। इसी टोबैको मोजैक वायरस को इन्होंने क्या कर लिया, क्रिस्टलाइज, मतलब सल्यूशन था, सल्यूशन से उसके दाने दाने बना दिए क्रिस्टलाइज, जैसे नमकीन पानी से नमक का बनना, वैसे ही वायरस के सल्यूशन से वायरस का पार्टिकल्स बनना, क्रिस्टलाइज करना। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था आइसोलेशन करने के बाद। और जब क्रिस्टल्स को स्टडी किया तो ये पता चला कि क्रिस्टल्स में सबसे ज्यादा हिस्सा या सबसे बड़ा हिस्सा या लार्ज पार्ट प्रोटीन होता है। और फिर हमने देखा कि हर एक वायरस, मतलब हमने एज एन स्टैनली नहीं, हमको ये सब बताया था कि हर एक वायरस अपने होस्ट के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, वो किसी और को किल नहीं करेगा, वो सिर्फ किसको किल करेगा, होस्ट को। किसको इन्फेक्शन देगा, अपने होस्ट को, बाकी किसी को नहीं। मतलब टोबैको मोजैक वायरस कभी भी किसी एनिमल को इन्फेक्शन नहीं देगा, या कभी किसी और प्लांट को इन्फेक्शन नहीं देगा, उसका होस्ट जो है, जैसे कि टोबैको, पोटैटो, टोमेटो एक्सेट्रा, ये उसके रिलेटेड प्लांट्स हैं, ये सारे उसके होस्ट है, ये सिर्फ उन्हीं को इन्फेक्शन देगा। अगर आप बोलो कि जा बेटा मेज को इन्फेक्शन दे दे, तो नहीं देगा, क्यों, इट इज हाईली स्पेसिफिक। जैसे कोरोना वायरस हमने देखा बाहर हर जगह फैल रहा है, इंसानों को होता है लेकिन डॉग कैट इनको होता है नहीं होता है, क्यों, हाईली स्पेसिफिक टूवर्ड्स होस्ट। ये वायरस की खासियत होती है कि भैया यही है जो जिस जो मेरा टारगेट है इसी को मैं मारूंगा, ऐसा सिंपल। तो बच्चा लोग, स्टैनली से हमने क्या, देखो मैं वापस बता दूं आपको, सबसे पहले हमारे पास कौन आए थे, दिमित्री आइवानोव्स्की, जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया और जिन्होंने ये भी पता किया कि वायरस जो रहेंगे वो बैक्टीरिया से छोटे होंगे। फिर हमारे पास कौन आए थे, M.W. बेजरिंग, उनका सबसे फेमस डायलॉग कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, मतलब एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट पे डिजीज जा सकता है, और वो भी कैसे, क्योंकि वायरस इन्फेक्शियस एजेंट है और वो फ्लूइड में रह रहा था। फिर हमारे पास आ गए W.H. स्टैनली, जिन्होंने वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया, ये पता किया कि क्रिस्टल्स मेजरली प्रोटीन से बनते हैं, और लास्ट वायरसेस हमेशा होस्ट स्पेसिफिक रहेंगे। कहानी खत्म हुई, तो हमने बोला हिस्ट्री की तो हाँ, लेकिन फैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चा लोग ये ना, ये जितने भी हम फैक्ट्स बता रहे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप नीट देने का सोच रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स या तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, या फिर उसको नोट कर लो अभी का अभी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इसमें से काफी सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में मिलेंगे भी, तो उनको हाईलाइट कर लो बच्चा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। चलो ये देख लो क्या क्या फैक्ट है। सबसे पहला, वायरस में कोई सेल नहीं होता, नॉन सेल्यूलर है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। ये जो उसकी नॉन सेल्यूलर वाली कैपेसिटी है, ये होती है उसकी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, इसीलिए वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के एज पे है। सेकेंड पॉइंट, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कंपल्सरी पैरासाइट है ये, और यही ऑब्लिगेट पैरासाइट इसका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ भैया ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये पैरासाइटिक है नेचर में, ठीक है। सो हमने बोल दिया कि ये जो पैरासाइट है ये लिविंग प्रॉपर्टी है, ये जो नॉन सेल्यूलर वाला है ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। वो नॉन लिविंग है उसकी क्या गारंटी, तो हमने बोला क्योंकि वो असेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर है। वो लिविंग उसकी क्या खासियत, तो हमने बोला वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। होस्ट के बाहर इनर्ट है, ये इनर्ट होना नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होता है वायरस का।
ठीक है, नेक्स्ट, इसीलिए ये लिविंग और नॉन लिविंग के एज पे है, ठीक है, इसको हम लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। किस चीज से बना है वायरस? वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब या तो इसके पास होगा डीएनए या फिर होगा आरएनए, दोनों में से एक, एनी वन, और उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट रहेगा? प्रोटीन कवरिंग, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या आरएनए, याद रखना बच्चा, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और सर्क्यूलर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने बोला सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर हुआ था वो आइवनॉस्की ने किया था, और वो कौन सा था? टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये किसने बताया था? फ्रैंकियल कॉनराट, ठीक है। चलो आ जाते बच्चा लोग, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस देखो क्या याद रहेगा। सबसे पहला अगर आप यहां देखते हो, ये है हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर हमको किसमें दिखेगा? प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस में आपको हेलिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे या हेलिकल सिमेट्री दिखेगा। तो हमने बोल दिया ये हेलिकल क्या रहेगी? सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री होगी एंड रॉड शेप या सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीहेड्रल एंड स्फेरिकल, ये दोनों भी एनिमल वायरसेस है, पॉलीहेड्रल बोलो स्फेरिकल बोलो चलेगा, और इनमें आपको क्या दिखेगा? रेडियल सिमेट्री, कंपल्सरीली रेडियल सिमेट्री दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमको बैक्टीरियोफेज का दिखेगा, जो बैक्टीरियल वायरस होता है, और ये हमको क्या दिखाएगा? असिमेट्री, मतलब कोई सिमेट्री नहीं होगी इसके केस में बच्चा लोग। और ये किसके जैसा दिखता है? टैडपोल, फ्रॉग के बच्चे जैसा दिखता है, टैडपोल। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके पास एक हेड है, इसके बाद इसके पास टेल वाला रीजन है, ठीक है, और ये टेल फाइबर्स है, सिंपल एज दैट। तो अब क्या क्या याद रखोगे? तीन टाइप के वायरस, वो वायरस जो प्लांट को डिजीज देगा प्लांट वायरस, वो वायरस जो एनिमल को डिजीज देगा एनिमल वायरस, और वो वायरस जो बैक्टीरिया को डिजीज देगा बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट, प्लांट वायरस कैसा होगा? रॉड शेप, हेलिकल सिमेट्री या स्पाइरल सिमेट्री के साथ। एनिमल वायरस कैसा होगा? पॉलीहेड्रल या स्फेरिकल लेकिन रेडियल सिमेट्री के साथ। और बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस कैसा होगा? टैडपोल शेप, असिमेट्री के साथ। उसके पास एक हेड होगा, एक कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होगी, बेस प्लेट और टेल फाइबर्स होंगे। नीचे वाला सब कुछ, हेड को छोड़ के जो भी बचा है वो सब किसमें आएगा? टेल में। अब देखते हैं बच्चा डिस्टिंग्विश, क्या क्या याद रखोगे? प्लांट वायरस का होस्ट प्लांट, एनिमल वायरस का होस्ट एनिमल, बैक्टीरियोफेज का होस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज का होस्ट बैक्टीरिया। नेक्स्ट, प्लांट वायरस में आपको मेजॉरिटी टाइम्स क्या दिखेगा? आरएनए जेनेटिक मटेरियल। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट वायरस विल हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल, जबकि अगर आप एनिमल वायरस देखते हो इसमें मेजॉरिटी जो रहेगा उसके पास डीएनए रहेगा जेनेटिक मटेरियल। जिन एनिमल वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज में सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखता है, बहुत रेयरली कभी कोई आरएनए मिला तो। नेक्स्ट, शेप ये हमने पहले ही बता दिया, प्लांट का प्लांट वायरस का शेप रहेगा रॉड या सिलिंड्रिकल, एनिमल वायरस पॉलीहेड्रल रहेगा, और जो हमारा बैक्टीरियोफेज था वो टैडपोल शेप जाएगा। सिमेट्री, प्लांट वायरस हेलिकल सिमेट्री, एनिमल वायरस रेडियल सिमेट्री, और बैक्टीरियोफेज जो रहेगा वो क्या रहेगा? एसिमेट्रिकल, ठीक है। एक बार देख लो बच्चा लोग, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। चलो आ जाते बच्चा लोग, अगर आप, ठीक है, ओके, अगर आप बचा लोग इन केस अगर आप टर्म वन का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप कहीं देख रहे हो कि कोई अच्छा क्रैश कोर्स मिल जाए, तो बच्चा लोग आप वेदांतु के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स आने वाले हैं आपको पढ़ाने के लिए। पूरा टर्म वन का क्रैश कोर्स बच्चा लोग 11th स्टैंडर्ड का, सोचो पूरे टर्म वन की फीस बता रही हूँ, ठीक है, नॉट वन मंथ ट्रायल, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर टर्म वन क्रैश कोर्स फीस, और कितनी है ये देख लो, कंप्लीट क्रैश कोर्स है बच्चा लोग, देखो अच्छे से फोकस करो, इट्स कंप्लीट क्रैश कोर्स। हमारा कूपन कोड रहेगा सेम, BMN प्रो,
फीस है 10,000 रुपीज, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हो आपकी फीस कितनी हो रही है, 2,700। अब आप सोचो कि प्रो लाइट में लेकिन डाउट सॉल्विंग तो नहीं होगा मोबाइल ऐप पे, कोई बात नहीं बच्चा, आप प्रो क्लासिक ले लो। ये देखो अगर आप प्रो क्लासिक लेते हो अंडर सच सिनेरियो भी आपकी फीस क्या होगी, सेम 2,700। तो 2,700 आपकी प्रो लाइट की भी फीस है, प्रो क्लासिक, तो प्रो लाइट क्यों ले जहां मोबाइल ऐप पे डाउट सॉल्विंग ना हो, ले लो प्रो क्लासिक। प्रो क्लासिक का बच्चा पूरा देख लो, सोच लो, अभी तक हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। टर्म वन का आपका एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाएगा बच्चा, क्योंकि आपको नीट का बेस बनेगा वो, सेकेंड थिंग टर्म टू के मार्क्स के साथ ऐड होगा वो, तो उसके लिए आपको टर्म वन के एग्जाम के लिए 2,700 इज व्हाट इज द फीस। अगर आप सोचो इतना ज्यादा अमाउंट है, इट इज नॉट दैट ह्यूज अमाउंट बच्चा, क्योंकि सोचो आपकी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी कवर होगी, प्लस टेस्ट होंगे, प्लस आपके एनालिसिस रिपोर्ट्स आएंगे, प्लस आपको बुक्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपके सिंगल सिंगल चैप्टर के लेक्चर्स अलग से आपको फ्री में मिलेंगे, जो आपकी नीट की तैयारी करने में बहुत बड़ा हाथ होगा। तो बच्चा लोग वाई टू वेट, जस्ट ज्वाइन एट 2,700 एंड रिमेंबर द कूपन कोड इज BMNPRO। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो इसी के साथ बच्चा लोग डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांतू नीट मेड इजी। बाय बच्चा लोग।